हे गाइस वेलकम बैक टू रोन चैनल सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड सो आज हम जिस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे इसको डिस्कस करने से पहले कृपया जान लीजिए कि आज के दिन एक मार्केट में एक अच्छा एक पॉजिटिव एन्वायरमेंट बन चुका है बीजेपी का एग्जिट पोल का रिजल्ट आ चुका है जहाँ पर बीजेपी एक क्लियर विनर है बीजेपी ने यहाँ पर बढ़त बनाया बना लिया है एग्जिट पोल के रिजल्ट पर तो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट निफ्टी निफ्टी का रैली या फिर निफ्टी मिड कैप या फिर निफ्टी स्मॉल कैप का, का सभी इंडेक्स पर पड़ेगा और इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमारे स्टॉक में भी पड़ेगा तो उसके रिगार्डिंग आज मैं आप सबके लिए एक बेहतरीन स्टॉक लेके आया हूँ जो कि एक मल्टीबैगर रह चुका है या फिर इसके इस स्टॉक ने काफ़ी सारे जो रिटेल इन्वेस्टर को अच्छा पैसा कमा के दिया है एक शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम में तो इस कंपनी का नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इस कंपनी का हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कंपनी का जो न्यूज आउट हुआ है इसके बारे में हम जानेंगे तो लास्ट तक ज़रूर बने ही रहेगा इस वीडियो को देखने के बाद आप एक अच्छा एग्जामशन लगा पाओगे कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें या ना करें तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं कंपनी ने यहाँ पर पिछले छह महीने में लगभग यहां पर जैसा कि देख पा रहे हैं पचास परसेंट से भी ज्यादा का रिटर्न आपको जनरेट करके दिया है और पिछले ट्रेडिंग सेशन में यानी कि दिसंबर एक को कंपनी ने यहां पर आठ से नौ परसेंट का तेजी दिखाया है न्यूज आउट होने के बाद कंपनी का यहां पर पांच सालों की रिटर्न की बात करें तो कंपनी ने आपके पैसों को 1400 गुना से भी ज्यादा का रिटर्न आपको जनरेट करके दिया है जो कि अपने आप में एक बहुत बहुत बहुत, बहुत बड़ी बात है अगर यहाँ पर कंपनी के कामकाज के बारे में डिस्कस करें तो डिकसोन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इज द लार्जेस्ट मोबाइल सॉरी होम ग्रोन डिजाइन फोकस्ट एंड सोल्यूशन कंपनी एंगेज इंड मैनुफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स द कंज्यूमर्स डूरेबल लाइट्स मोबाइल फोन स्मार्टफोन्स मार्केट इन इंडिया कंपनी का जो मेन कामकाज है वो है कंज्यूमर डूरेबल्स आइटम को मैनुफैक्चर uh, करना साथ ही साथ लाइटिंग्स मोबाइल फोन को मैंने मूल मोबाइल फोन का मैनुफैक्चर करना स्मार्टफोन्स ये सब मैनुफैक्चर कंपनी का जो मेन काज है दे आर डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इंक्लूड्स कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक लेट टी वी ये कंपनी लेट टी वी का भी मैनुफैक्चर करता है साथ ही साथ होम इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक लाइक वॉशिंग मशीन्स लाइटिंग प्रोडक्ट्स लाइक लेट बल्ब ट्यूबलाइट्स डाउन लाइटर्स इसके साथ साथ मोबाइल स्मार्टफोन सी सी टी वी डी वी आर्स मेडिकल इक्विपमेंट्स तो ये काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट जो कि डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाला प्रोडक्ट ये कंपनी मैनुफैक्चर करता है डिक्सन ऑल्सो प्रोवाइड सोल्यूशन इन रिवर्स लॉजिस्टिक एंड रिपेयर एंड रिफरबिसमेंट सर्विस ऑफ सेट ऑफ़ बॉक्सेस मोबाइल फ़ोन्स स्मार्टफोन्स एंड लेट टी वी पैनल्स तो काफ़ी यह कंपनी रिपेयर इसके साथ रिफरबिसमेंट का भी सर्विस प्रोवाइड करता है स्पेशली सेट ऑफ बॉक्स मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन और लेट टी वी पैनल में तो so ये कंपनी काम का कामकाज बेहद ही बढ़िया है दोस्तों मैं यह बता दूं कि कंपनी के का कामकाज को जानना बेहद ही जरूरी है क्योंकि इस कंपनी के कामकाज के बेस पर ही आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हो अगर कंपनी का कामकाज अच्छा है तो आपका मुनाफा भी यहां पर होना बेहद ही लाजमी है अगर कंपनी के लीडरशिप की बात करें मार्केट लीडरशिप की बात करें यहाँ पर डिक्सन इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट लैक टीवी मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया एंड इट इज द मोर देन 35 परसेंट ऑफ इंडियाज रिक्वायरमेंट तो ये बहुत बड़ी बात है मार्केट लीडर होना अगर कंपनी के डिफरेंट पैरामीटर्स की बात करें तो यहाँ पर थर्टी से भी ज्यादा का एक अच्छा खासा मिड कैप टाइप का कंपनी है कंपनी ने हाई लगाया सिक्स थाउजेंड का लो लगाया है टू थाउजेंड का यहाँ कंपनी का प्रेजेंट प्राइस टू अर्निंग रिशो वन का है बुक वैल्यू कंपनी का दो का जो कि एक प्रीमियम रेंज पर ट्रेड

कि जून 2023 में कंपनी का जो सेल्स था वो था न, जो कि 3272 करोड़ का यहाँ पर कंपनी ने यहाँ पर अपना सेल्स बढ़ाते हुए इस क्वार्टर यानी कि सितंबर 2023 में कंपनी का सेल्स हो चुका है 4943 करोड़ का इसका सीधा सीधा इंपैक्ट कंपनी के नेट प्रॉफिट में पड़ा है जहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट 90 करोड़ से बढ़कर 149 करोड़ तक पहुँचा है तो यहाँ पर कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में एक धमाकेदार प्रदर्शन किया है अगर यहाँ पर यार ऑन या बेसिस की बात करें तो कंपनी का यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे हैं मार्च टू में कंपनी का जो सेल्स था वो फाइव करोड़ था जो कि बढ़ते

पेंशन में लगा सकता है अगर बोरोइंग की बात करें तो एक छोटा मोटा टू करोड़ का एक छोटा मोटा बोरोइंग कंपनी के पास है अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर प्रमोटर के पास लगभग थर्टी का स्टेक कंपनी के प्रमोटर के पास है एफ ने यहाँ पर, पर अपना स्टेक एक कंटिन्यूस वे से बढ़ाया है जहां पर फिफ्टीन का स्टेक अपने पास रखा है डी ने अपना स्टेक बढ़ाते हुए यहाँ पर ट्वेंटी का स्टेक अपने पास रखा है जो कि बेहद ही पॉजिटिव बात है अगर पब्लिक की बात करें तो हमें ट्वेंटी थ्री का स्टेक अब पब्लिक के पास होते है, तो हैं एक फोर स्टार रेटेड अच्छा शेयरिंग पैटर्न कंपनी रखता है अब न्यूज़ की बात करें दोस्तों डिक्सन टेक्नोलॉजीज जम्स नाइन परसेंट ऑफ अर सब्सिडरी लांचेस स्मार्टफोन प्लांट इन नोएडा अगर अगर यह कंपनी कोई भी स्मार्टफोन प्लांट या फिर लेट टी प्लांट अगर या, अगर अगर यहाँ पर बनाता है या फिर इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है तो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट कंपनी के शेयर प्राइस पर पड़ेगा ही क्योंकि जब भी प्लांट बनेगा उससे उसका मैन्युफैक्चर होगा उसका सेल्स बढ़ेगा सेल्स बढ़ेगा उनका प्रॉफिट बढ़ेगा प्रॉफिट का जो सीधा सीधा इम्पैक्ट कंपनी के शेयर प्राइस पर पड़ेगा तो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट पिछले जो ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर नाइन से भी ज़्यादा का एक तबाही का तबाही तेज़ी यहाँ पर कंपनी ने दिखा है अगर यहाँ पर चार्ट की बात करें तो यहाँ पर हर एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट करता है जहाँ पर कंपनी पिछले दिन पिछले दिन यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया है यहाँ पर ब्रेकआउट देने के बाद कंपनी ने यह अच्छा तो यहाँ पर लगभग अच्छा खासा यहाँ पर एक बुलिश रन दिखाया है कंपनी के सपोर्ट की बात करें तो कंपनी यहाँ पर लगभग पहला सपोर्ट कंपनी ले सकता है 5,200 के लेवल और इसके बाद कंपनी ले सकता है 4,800 के एक दो लेवल का आप नोट कर लीजिए और यहाँ पर रजिस्टेंस की बात करें तो कंपनी का जो रजिस्टेंस है फिलहाल एक छः के पास कंपनी यहाँ पर एक रजिस्टेंस फेस कर सकता है अगर इस लेवल को कंपनी तोड़ता है तो कंपनी यहाँ पर छः इसके बाद छः चार के लेवल तक पहुंच सकता है अगर यहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो कृपया परशील इन्वेस्टमेंट कीजिए एसआईपी बोर्ड में इन्वेस्टमेंट कीजिएगा ताकि आ, आपका एवरेज अच्छा बने और इन्वेस्टमेंट करने से पहले कृपया खुद से सोच समझ कर ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा आशा करते हैं वीडियो आपके लिए बेहतर इन्फॉर्मी लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना इस वीडियो को ढेर से शेयर करने से वीडियो मिले लास्ट तक बने धन्यवाद आपका दिन शुभ हो